हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो के माध्यम से आपको कोई ना कोई छोटा उपाय बताते हैं। वास्तु का उपाय होता है जो आप अपने घर के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं, या फिर छोटा मोटा घरेलू उपाय होता है जैसे बदन में बरकत नहीं हो रही है, या फिर आपको नज़र लग गई है, काम पर बुरी नज़र है लग गई है, या फिर धन रुका हुआ आ नहीं रहा, पैसे की बर्बाद ज़्यादा हो रही। तो छोटे छोटे घरेलू उपाय होते हैं जो आप अपने घर पर ही दूर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम आपको बताएंगे कि यदि आपके घर के अंदर धन की बरकत नहीं हो रही है तो आप कैसे उसकी धन की बरकत को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, पैसा सभी कमाते हैं, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होती है, लेकिन उसका प्रयोग करना, उसका यूज़ करना आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई कम पैसों में भी अच्छा काम चला लेता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कमाने के बाद भी पैसे को बर्बाद करता रहता है। तो इस प्रकार यह इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने धन की बरकत को कैसे रख सकता है, कैसे वह कम पैसे कमाकर भी अपनी आय के हिसाब से भी बेहतर बरकत कर सकता है। तो इस उपाय को अपना के आप अपने कम धन में भी या अधिक धन में भी धन की बरकत को और भी अधिक तरीके से बढ़ा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पैसे को कैसे मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसकी बरकत को बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको और भी अच्छी तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। तो कोई बड़ा उपाय नहीं दोस्तों, छोटा सा उपाय है। आपको एक काला कपड़ा लेना है, उसके बाद फिटकरी लेनी है आपको, छोटे छोटे 3 फिटकरी के टुकड़े ले लें। उन तीनों फिटकरी टुकड़ों को काले कपड़े में बांध करना है और अपने मेन गेट पर लगाना है। दोस्तों, मेन गेट पर जब आप लगाओ तो उसमें तीनों फिटकरी के टुकड़ों को ऐसे करके बीच में, और फिर इसको यूं टाइप करना है, इसको ऐसे इस प्रकार से बांधना है। किसी भी चीज़ से बांधे आप, कई बार रोली भी होती है, कराला भी होता है, हमारे लाल आपने देखा होगा कि कई बार हम इस प्रकार का धागा यूज़ करते हैं हवन वगैरह का, वो धागा आप ले सकते हैं और उसको टाइप कर ले, उसको गांठ ना बांधे, ऐसे ही लपेट के अच्छी तरीके से और फिर मेन गेट पर बांध दें इसको। तो इस प्रकार के उपाय से भी आपकी जो धन की समस्या है, जो बरकत नहीं हो रहा आपके धन के अंदर, वो होगी। फिटकरी आपके धन के अंदर बरकत लेकर आएगी, काला कपड़ा जो है वो आपके धन के ऊपर जो बुरी नज़र लग जाती है उसको दूर भगाएगा, इसीलिए इसको मेन गेट पर बांधते हैं। तो एक छोटा सा उपाय हमने आपके साथ साझा किया है कि किस प्रकार आप अपने धन की बरकत को और भी अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं, सिर्फ एक फिटकरी का और एक काले कपड़े का प्रयोग करके। तो आज एक छोटा सा आइडिया हमने आपको बताया है, और भी लोगों तक पहुँचाने के लिए इस उपाय को, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि यह कपड़ा, आपने देखा कि कई बार फिटकरी वैसा हो जाती है, महीने बाद, 2 महीने बाद जब आपको लगे तो इनको आप बदल सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कब बदले इनको, तो इन फिटकरियों को बदलना है तो आपको 2 महीने के बाद आप अवश्य बदल सकते हैं। बहते हुए पानी में इनको छोड़ दें और इसकी जगह काले कपड़े में दूसरी फिटकरी ले, कोई काला कपड़ा दूसरा ले लें, इस पूरे को उतार के आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और नया कपड़ा लेके उसमें 3 फिटकरी लगाकर और फिर इसको टाई अप करके उसको बांध के अपने मेन गेट पर लगा लें। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कब बदलते हैं, महीने बाद बदलें, 2 महीने बाद बदलें, 3 महीने, यह आपका ऊपर निर्भर करता है। एक आइडिया को हमने आपको बताया है, और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जरूर करें। आप भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।